तक्सा जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है अभी कि यूपीपीसीएल ने जो यूपीपीसीएल तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे यूपीपीसीएल ने अपना जो TG2 की वैकेंसी है वो आउट कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यूपीपीसीएल के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा किस वैकेंसी पर कितनी पोस्ट थी। तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर इसको यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर सर्विस अवेलेबल दिखा रहा है। जिनों पर से मेरे पास डाउनलोड है तो मैं आपको ये वीडियो दिखा सकता हूँ, ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये नोटिफिकेशन खुल रहा है। इसके पहले आप मेरे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी जुड़ी सारी डिटेल है वो हम आपको आपके चैनल पर, इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि UPPCL ने अपनी वैकेंसी आउट कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो पट कोड है यहाँ पे 826। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आने वाली है 245 है, 245 है जो किसमें है ना, यूआर के लिए जो है 245 वैकेंसी है। और नॉन क्रीमी लेयर, और नॉन क्रीमी लेयर कितने, यानी कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 164 है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 127 और 12 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 60 सीटें। तो जिसके पास ईडब्ल्यूएस वो जरूर डाले, इस टाइम ईडब्ल्यूएस का कटा बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें है कि बहुत, इसमें सारी डिटेल लिखी है। इसमें इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर भी देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है विज्ञापित पदों पर संख्या अधिक होने पर CBT परीक्षा अधिक पहलियों और दिवसों में कराई जाएगी केंद्र राज्य का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अनिवार्य संघटित वर्ताएँ, ठीक, अभी तक समय अभ्यर्थी समय निम्न संघटित वर्ताएँ होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित वर्षों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में ट्रेडों में किसी भी एक ट्रेड में 2 वर्षीय अखिल अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र यानी NCVT SCVT के लिए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, ठीक, ये सब में से क्या होना चाहिए, आप में से किसी एक चीज़ होनी चाहिए, तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, और साथ में 10th पास होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर जो न्यूनतम एज दी गई वो 18 वर्ष से 40 वर्ष दी गई, और आयु में छूट भी, अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य नॉन क्रीमी स्वतंत्र संग्राम सेनानी आश्रित और प्रदेश की मूलवासी जो उत्तर प्रदेश की मूलवासी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको छूट मिलने वाली वो हर एक स्टेट की वैकेंसी की जैसे केवल वहाँ के लोकल लोगों को यानी कि मूल निवासियों को मिलती है। तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और अदर स्टेट के जो वो किसमें आएंगे केवल हमेशा अनारक्षित, यानी जो अदर स्टेट के लिए वो 245 वैकेंसी है, और जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग 127 EWS ये सब आप किसके लिए आएंगे, जो वहाँ के लोकल लोग या मूल निवासियों के लिए, सब जो कोटे होते हैं वो मूल निवासियों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आप जो अदर स्टेट्स हैं वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर और दी गई है, और आपको मैं सबसे पहले, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए फीस है वो कितनी है, 700 रुपये, और जो अन्य समस्त श्रेणी है जो EWS और OBC और आपका जनरल सीट कैटेगरी वस्ती वहाँ पे कितना फीस होगी, 1000। और यहाँ पे है कि यहाँ पे अर्हताओं को प्रस्तुतिकरण, ये सब अभ्यर्थियों को प्रस्तुतिकरण करने की लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जाते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि चयन परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित परीक्षा लिया जाएगा, प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 घंटे, यानी कि यहाँ पे आपका जो पुरानी हर एक हर बार की तरह कितना 3 आवर का पेपर होने वाला है। और प्रथम भाग NLT CCC का स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रकार प्रश्न होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक पर 0-1 अंक होगा, अधिकतम 50 अंकों परीक्षा में अधिकतम, यानी कि जो पहले होता था कि हमारे जो पहले कंप्यूटर का पेपर होता जिसमें 50 नंबर का पेपर होता था, हमारे न्यूनतम पास मार्क करने हो रहे 20 अंक। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के ज्ञान की प्रथम परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना क्या होगा, आपका अनिवार्य होगा। और साथ में क्या है कि 1/4 आपके लिए क्या दी जाएगी, ऋणात्मक अंक, यानी कि जो 1/4 की है वो क्या की जाएगी, कटौती की जाएगी। और यहाँ पे फिर बच्चा हमारा द्वितीय भाग जिसमें हमारे टेक्निकल और सब आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान होगा वो कितना होगा, 20 अंकों का, ठीक। और हिंदी, जो हिंदी भी आएगी वो आपकी 15 नंबर की जैसे आती एजुटेज आएगी, और अंग्रेजी आएगी वो कैसे आएगी, 15 नंबर। तकनीकी विशेष ज्ञान भी कितना आएगा, 150 और 150 का, ठीक, यहाँ पे आप कितना 150। और यहाँ पे क्या है कि चयन हेतु द्वितीय भाग परीक्षा में अधिकतम परीक्षा न्यूनतम 33.5% रात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 से कम अंक प्राप्त करेंगे वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि आपको न्यूनतम 67 अंक लाने जरूरी होंगे, उससे कम आप नहीं ला सकते, ठीक। यदि आप कोई भी कोटा है और यदि आप 67 अंक से कम है तो आप वहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद है उपयुक्त या निर्धारित प्रणालियों के लिए, ठीक है, उपयुक्त अनुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा होगी, 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक होने को, ठीक है। तो यहाँ पे जो अन्य प्रतियोगिताएँ दी गई विशेष कि उपयुक्ता अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों और अर्हताओं के द्वितीय भाग में लिखित परीक्षा हेतु 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम लिस्ट चयन प्रक्रिया की जाएगी, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो हमेशा की तरह किस पर बनेगी, आपके जो 200 लेंगे, और आपकी जो केवल कंप्यूटर की परीक्षा वो केवल क्या होगा, आपका क्वालिफाई राउंड होगा जिसमें आपको टोटल 50 में से 20 अंक लाना अनिवार्य होंगे, ठीक। और यदि आप 20 अंक वो नहीं लाते तो आपके सेकंड राउंड में आप जितने ही मार्क्स लाएँ
उनका कोई मायने नहीं रखते। तो यहाँ पे अगला है कि उपरोक्त दोषों के परीक्षा में दो या दो से अधिक समान अंक पाने के अभ्यर्थी की नाम ज्येष्ठा से जरूर ऊपर होगा जिसके द्वारा अप्रेंटिस की गई हो, यानी कि अगर आपके दो तो ऐसे अप्रेंटिस हैं जिन्हें दो लोग हैं जिनके अगर नंबर सही मिले जिसके पास अप्रेंटिस होगी उसको क्या जाएगी प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी अप्रेंटिस पाते तो उम्र की अभ्यर्थी को भर्ती वरीयता दी जाएगी। ठीक, तो यदि दोनों के पास अप्रेंटिस भी हो नंबर भी सीमेंट पर वहाँ पे एज के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और परीक्षा प्रक्रिया के अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने अधिकारी अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। ठीक, तो ऐसे भी जो नियम क्या है कि जो इसमें अगर अधिक उसके बाद अगर अप्रेंटिस और ये सब सेम आती तो उसके बाद जो वहाँ के विद्युत सेवा अधिकारी होंगे वो क्या होंगे पूरा निर्णय उनके हाथ में होगा। तो यहाँ पे है कि परीक्षा स्थान, तो परीक्षा के सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, परीक्षा लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर शहर में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर बेस परिस्थिति में परीक्षा के स्थान को बदलाया घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हैं आवेदन कैसे करें, तो आवेदन आप व्यू आप WWUPPCL की साइट को खोलकर अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 03VCA220 टेक्नीशियन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्री पर क्लिक करके खोलने नए पेज हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके भली बात ही समझें। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको जब इसका अप्लाई चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभ्यर्थी प्रवेश पत्र, परीक्षा पत्र, WWUPPCL अपलोड डाउनलोड करना होगा, एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है। और इसके बाद है कि जो ऑनलाइन आवेदन की पूर्ण पत्र पूर्ण करने की तिथि, तो आपको 107 से 1/7 से यानी 1 तारीख से क्या हो जाएगा आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो क्या हो जाएंगे आपके चालू हो जाएंगे और कब तक चलेंगे 22/7 तक। ठीक, तो 1/7 से 22/7 तक चलेंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड 1/7 से 22/7 तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। और भारतीय बैंक चालान यानी कि जो आप स्टेट बैंक या चालान के थ्रू कब तक 24 तक जमा कर सकते हैं। और परीक्षा की संभावित अवधि यानी परीक्षा का जो डेट दी गई इसमें दी गई अगस्त की सेकेंड वीक में, तो यहाँ पे कहो अगस्त के सेकेंड वीक कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको UPPCL की तैयारी भी करा रहे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, हमने UPPCL कुछ पेपर डाले और अभी हमारा एलिमिनेशन चैप्टर चल रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं जिसकी सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो जब भी ये वैकेंसी भरना चालू होती है हम आपको जरूर इसका फुल फॉर्म भर के दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।